फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। कक्षा दसवीं की वर्कशीट संस्कृत की आई है शैमुशी किताब से। तो आज देखेंगे, दिनांक है 25 अगस्त 2021, अध्याय है द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा और शीर्षक है व्याघ्र मारी भाग एक। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और या विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। 5 प्रश्न है, 5ों प्रश्नों के उत्तर लिख के लाए हम। तो अपनी नोटबुक खोल लीजिए संस्कृत की और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए, जिससे आपका काम आराम से हो जाए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। राज्य नाम राजपुत्र कुत्र वस्ती स्म, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, राज्य नाम राजपुत्र देवलख्यो ग्राम वस्ती स्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दरिदश, तो इसका उत्तर होगा बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्र दरदश, है ना, गहरे जंगल में, कानन यानी जंगल होता है। तीसरा देखिए, व्याघ्र कति आसित, तो व्याघ्र कितने थे, तो एक, इसका उत्तर हो जाएगा एक, व्याघ्र एक आसित या एकम आसित, तो व्याघ्र एकम आसित या एक आसित लिख सकते हैं आप। व्याघ्र कितना था, एक था। फिर है व्याघ्रम आगच्छत दृष्टवा बुद्धिमती किम कृतवंती, तो व्याघ्र को आते देखकर बुद्धिमती ने क्या किया, तो क्या किया, तो सा व्याघ्रम आगच्छत दृष्टवा राष्ट्रति पुत्रो चपेटिया, मतलब उसने अपने बच्चों को थप्पड़ मारी। प्रहत्य जगात कथमे केकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलह कुरुत, ये उसने अपने बच्चों को कहा, ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए, व्याघ्रम आगच्छतम दृष्टवा बुद्धिमती, ये तो हो गया। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, यथा निर्देश प्रश्नान उत्तरत, इन निर्देशों को देख के प्रश्नों को लिखना है। वनम इति पदस्य समार्थ समानार्थ पदम लिखत, इसका समानार्थी पद लिखना है वनम, वनम यानी वन, तो उसको कानन बोल सकते हैं जंगल को, तो उसका आप कानन कर सकते हो। देखिए मैंने लिख रखा है काननम, वनम का काननम, ठीक है। नेक्स्ट है, खादितुम इति पदस्य समार्थन पदम लिखत, तो इसका खादितुम, इसका हो जाएगा अत्तुम, ठीक है। फिर है नेक्स्ट देखिए, परोक्षम इति पदस्य विपरीतार्थ शब्दम लिखत, परोक्ष का विपरीत यानी विलोम ओपोजिट, तो परोक्ष का क्या होगा, प्रत्यक्ष, तो परोक्षम का प्रत्यक्षम। महतो भयात इत्यनयो पदयो की विशेषणम पदम, इसका विशेषण क्या है, तो महतो, महतो यानी स्वामी मालिक प्रमुख, तो उसको कहेंगे विशेषण क्या है, महतो। तो ये 5 प्रश्न थे, 5ों प्रश्नों के उत्तर मैंने आप सामने लाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगली वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।